सपा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी के पुराने चेहरों में आपसी खींचतान काफी चल रही थी। पार्टी ने एक नए चेहरे को प्रत्याशी बनाकर न पार्टी सहित स्थानीय जनता को भी चौंका दिया। शुक्रवार को ही लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में संभावित प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। इसमें किसी को ये जानकारी नहीं थी कि पार्टी किसी भारी प्रत्याशी को भी ला सकती है। भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और मूल निवासी बुलंदशहर के हैं। फिलहाल भानु प्रताप सिंह इंदौर राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहते हैं। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 13 अप्रैल 2022 को जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, वहां उन्होंने राष्ट्रव्यापी ईवीएम हटाओ अभियान चलाकर पहली बार सुर्खियों में आई। उन्होंने प्रेस वार्ता कर ईवीएम के खिलाफ खुलासा किया था। लखीमपुर खीरी कांड में शहीद किसानों की अंतिम अरदास में भी पहुंचे थे। अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह लगातार ईवीएम मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर सुर्खियों में थे। इसी कारण अखिलेश यादव ने गठबंधन को ध्यान में रखकर बहुजन चेहरा मैदान में उतारा है। बहुजन समाज के उत्पीड़न की लगातार घटनाएं, बहुजनों का शोषण जैसे मामलों में बहुजन वर्ग के साथ खड़े होने का संदेश देते हुए सपा ने ये डिसीजन लिया है। दूसरा कारण, मेरठ में सपा में नेताओं में अंदरूनी कलह चल रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, उसको देखते हुए भी अखिलेश यादव को ये निर्णय लेना पड़ा। मेरठ हापुड़ लोकसभा टिकट की दावेदारी में मेरठ से वर्तमान किठोर विधायक शाहिद मंजूर, धना विधायक अतुल प्रधान, शहर विधायक रफीक अंसारी, पूर्व विधायक योगेश वर्मा, पूर्व सांसद हरीश पाल के बेटे नीरज पाल, जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी अमरोहा से सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े मुखिया गुजर आकिल मुर्तजा, शहर महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी का नाम चल रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। दावनों बुद्धा।